हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 11 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 7। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11.14। गिव टू रिएक्शंस दैट शोज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11.14, तो सो एसिडिक नेचर को, फिनल के एसिडिक नेचर को दिखाने के लिए दो रिएक्शंस में से पहला रिएक्शन यह है कि फिनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है फिनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया बेंजीन रिंग, उस पे फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है। अब जब जो हाइड्रोजन को लिबरेट करे वो एसिड है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि फिनॉल एक एसिड है, ठीक है। तो यहां पे फिनॉल लिख देते हैं और यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल का एसिडिक नेचर को प्रूव करने के का, नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलती है और H2O। यहां पे भी हाइड्रोजन क्या होता है, लिबरेट होता है। तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड और H2O निकल गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा दो रिएक्शन जिससे ये प्रूफ होता है कि फिनॉल एक एसिड है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है फिनॉल की एसिडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इथेनॉल, ठीक है। तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल से, क्यों, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनती है वो रेजोनेंस, इट को अंडरगोज रेजोनेंस इनटू रेजोनेंस एंड वो स्टेबलाइज हो जाती है। वेयर एज
इथोक्साइड, ये हमने पहले भी पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि कैसे वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है और ज़्यादा एसिडिक होती है। अच्छा, लेकिन इथोक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसी कारण से फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल से। चलिए इसको लिख लेते हैं, नोट की तरह आप पढ़ लेना। तो आपके लिए एक बार आंसर पढ़ लेते हैं, जैसा मैंने समझाया था वही लिखा है। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन दैट ऑफ इथेनॉल। दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन द फिनोक्साइड आयन अंडरगोज रेजोनेंस एंड गेट स्टेबलाइज्ड, वेयर एज इथोक्साइड आयन डज नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.15। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11.15 में अब इसको सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ये दो चीजें हैं। तो दोनों को बनाते हैं, पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया फिनॉल, अब ऑर्थो पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिए, तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, अब ये है ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। ये है फिनॉल आपका, उसके बाद यहां पे ये हो गया फिनॉल। अब ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप डाल दिया, तो यह हो गया ऑर्थो मिथॉक्सी थॉक्सी फिनॉल। ठीक है, अब दोनों का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें जो होता है, इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस होने से क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस होने से ओएच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओएच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण ये इजीली प्रोटॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्थोनाइट्रो फेनोक्सी ऑक्साइड आयन फॉर्म करते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लूज करते हैं, और वो ऑर्थो नाइट्रो फेनोक्सी ऑक्साइड स्टेबलाइज्ड हो जाती है, स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड हो जाती है रेजोनेंस के कारण, इसलिए ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, ये रेजोनेंस का ये कंसेप्ट हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्या होता है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, उल्टा होता है। इससे क्या होता है, ये इसकी ओएच बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और प्रोटॉन वो इजीली लूज नहीं कर सकते हैं, वो इजीली प्रोटॉन लूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस कारण से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
क्या होता है, ज्यादा एसिडिक है और जो जितना रेडिली प्रोटॉन रूज करेगा वही उतना एसिडिक होगा, तो इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल से। ठीक है, अब ये चीज मैं एक नोट की तरह लिख देता हूँ, याद करके एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है, फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलिए मैं पॉज करके लिख देता हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने नोट की तरह लिख दिया है, एक बार आपको समझा देते हैं। द नाइट्रो ग्रुप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन द ऑर्थो पोजिशन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड। एज अ रिजल्ट इट इज इजियर टू लूज प्रोटॉन। ऑल्सो ऑर्थोनाइट्रोफेनोक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। सो द आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन ऑर्थोनाइट्रोफेनोक्साइड आयन जो बनता है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के कारण, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, रेजोनेंस के कारण। हेंस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड मिथॉक्सी ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, थस इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड एंड हेंस द प्रोटॉन कैन नॉट बी गिवन आउट इजिली। और इस तरह से प्रोटॉन आसानी से वो लूज नहीं कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। यह है, एक बार फिर से इसका देख लीजिए नोट। पहले आपको एग्जाम में कैसे क्या लिखना है, पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, उसके बाद दोनों का स्ट्रक्चर बना लेना है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल का बना दिया आपने। उसके बाद आप उनका आंसर कीजिएगा कि द ऑर्थोनाइट्रो ग्रुप द नाइट्रो ग्रुप ऑफ एन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन ऑर्थो पोजिशन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड, एज अ रिजल्ट इट इज इजियर टू लूज प्रोटॉन, ऑल्सो द ऑर्थोनाइट्रो फेनोक्साइड आयन फॉर्म्ड आफ्टर द लूजिंग द आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, हेंस ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड। उसके बाद ऑन द अदर हैंड मिथॉक्सी ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, थस इन केस इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड एंड हेंस द प्रोटॉन कैन नॉट बी गिवन आउट इजिली। फॉर दिस रीजन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.16। एक्सप्लेन हाउ डज द ओएच ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसका आंसर समझने के लिए आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस में किए हुए हैं, तो ये देखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन एटम में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और फिर ये इधर मूव होगा और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और ये इधर मूव होगा, अब नेगेटिव चार्ज फिर वापस यहाँ पे मूव हो जाएगा, फिर से वो इस बॉन्ड में जाएगा और वापस ये इधर मूव होगा। अब नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे मूव हो जाएगा
और वापस से ये इधर जाएगा और नेक्स्ट ये इधर की ओर जाएगा। और एक बात होगी, जब ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आयन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से फिर दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहुँच जाएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास पहुँच गए, तो क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये स्टेबलाइज हो गया। अच्छा अब तो ये समझ में आया। अब इसका आंसर देखिए, OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन, ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बेंजीन रिंग का देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इसकी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर में दिया हुआ है, आपको समझा है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी को मैं नोट में लिख देता हूं और आप याद कर लीजिएगा, लेकिन फिगर ड्रॉ करना इसमें मस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए ये एक बार आंसर को पढ़ देते हैं। द OH ग्रुप ऑफ एन इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, थस इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग एज सोन बिलो, फिगर बना देना है और उसके बाद लिखेंगे एज अ रिजल्ट द बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.17, गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन वन ऑल विथ एल्कलाइन के एम एन ओ फोर सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है ब्रोमीन इन सी एस टू विथ फिनॉल, थर्ड है डायल्यूट एच एन ओ थ्री विथ फिनॉल, और फोर्थ है ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस क्यू एच। चलिए इनके इक्वेशंस लिख डालते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है प्रोपेन वन ऑल से प्रोपेनॉइक एसिड, तो प्रोपेन वन ऑल को बनाते हैं, प्रोपेन है तो तीन कार्बन आइटम होंगे, ठीक है, तीन कार्बन आइटम। उसके बाद फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ ऑल लगा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ ऑल लगा दीजिए, ये ऑल लग गया, बाकी कितने बचे, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, इसमें दो होगा, इसमें तीन हो गया, ये हो गया प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। इसका नाम लिख दीजिए प्रोपेन वन ऑल। अब ये एल्कलाइन के एम एन ओ फोर के साथ, वो फोर के साथ क्या रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगी, प्रोपेनॉइक एसिड बनाएगी, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच, ठीक है, प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेन ओ आई सी एसिड। तो अभी प्रोपेनॉइक एसिड चैप्टर आएगा बाद में, तो आप अभी के लिए आप याद रखिए ये जो ग्रुप है आर सी ओ ओ एच, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। आर क्या है, एल्कलाइन एल्कली है, ठीक है, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें मिथाइल इथाइल ऐसे, तो सबसे पहले ये मेंबर, फर्स्ट मेंबर ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट मेंबर इस कार्बोक्सिलिक
एसिड के का क्या होता है, फर्स्ट होता है फॉर्मिक एसिड, एच आर के बदले में एच होगा तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया। उसके बाद क्या मेंबर होता है, आर के बदले में मिथाइल ग्रुप होगा तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, या इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और आर के बदले में C2H5, जैसे अभी है ये देखिए C2H5 ही है ना, COH, ये कौन सा हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये बिटोनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक एसिड, ऐसे चलता रहेगा। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोपेनोइक एसिड आया कैसे, किस तरह से आप नाम को याद रखिएगा, इसके लिए मैंने बता दिया ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फिनॉल को ट्रीट करना है CH2 के साथ, तो वो क्या बनेगा, ठीक है। चलिए फिनॉल लिखते हैं, फिनॉल तो इजी है, ये हो गया फिनॉल, फिनॉल का ये हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो इस डाल देंगे तो ये हो गया फिनॉल। अब फिनॉल को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, Br2 ब्रोमीन के साथ इन CH2, ठीक है, इन CH2 के साथ ट्रीट करेंगे ब्रोमीन इन CH2। टेम्परेचर इस पे रहेगा 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब ये बना देगा, ये दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तो ये होगा, पैरा ब्रोमो फिनॉल बना देगा, तो फिनॉल तो है ही, पैरा पोजीशन में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया पी ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, ये हो गया मेजर। प्लस और एक चीज बनेगा इसमें, वो क्या, ये बनेगा, इसका नाम क्या है, ये भी फिनॉल है लेकिन ऑर्थो फिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन रहेगा, तो ओ ब्रोमो फिनॉल, ये माइनर होगा, ये माइनर होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, फिनॉल है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो फिनॉल ये सब किस पोर्शन से है, फिनॉल के रिएक्शन से है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो ये है आपका फिनॉल, उसके बाद इसको हम ट्रीट करेंगे डाइल एच NO3 के साथ, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनॉल, उसके बाद यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ऐड कर दिया, इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और फिर पैरा पोजीशन पे ये ऐड कर देगा फिनॉल को, फिनॉल है, ये हो गया फिनॉल और पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन ये हो गया पैरा पोजीशन, तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा और पी नाइट्रो फिनॉल,
अच्छा, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि ऑर्थो पैरा और मेटा, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशंस क्या हैं बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में मान लीजिए कोई ऑलरेडी, मान लीजिए फिनॉल ही है, ठीक है। अब यहां पे कुछ मिथाइल ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाए इस पोजीशन पे, ये हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन। इस पोजीशन में कुछ ऐड हो तो ये हो गया मेटा। इसको सिर्फ ओ भी कहते हैं, इसको सिर्फ एम भी कहते हैं। और इस पोजीशन में कुछ ऐड हो जाए तो वो हो गया पैरा, इसको पी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हो गया, ये तो तीन पोजीशन ही। यहाँ पे देख लीजिए ये ऑर्थो पोजीशन में तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया, यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया, इजी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ रिएक्शन क्या होगा, जो दिया हुआ है फिनॉल है उसको हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा। चलिए इसका रिएक्शन लिख देते हैं। पहले फिनॉल को लिखेंगे, ये रहा फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। अब इसको हम ट्रीट करते हैं CHCl3 और प्लस एक्वस NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्स एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो फेनॉल तो होगा ही, फेनॉल का वो जो रिंग है बेंजीन रिंग वो तो होगा ही, लेकिन थोड़े से चेंजेस होंगे। तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे CHCl2 हो जाएगा, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये तो इंटरमीडिएट हो गया, फिर इसको हम करेंगे ट्रीट एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। ये AQ क्या है, एक्वस, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा हमारा ONa प्लस, ठीक है, और यहाँ पे CHO, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब ये हम H प्लस के साथ ये ट्रीट होगा, तो ये बन जाएगा हमारा सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। इसको ट्रीट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये ओ एच हो गया, उसके बाद सी एच ओ हो गया, ठीक है, और ये हो गया सैली सैली सेल सैली CYLAL DEH YDE सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, ये बन गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है, और प्लीज बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से भेजा जाएगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका आज का दिन
शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स आएं। इस शुभकामना के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ और उनके उत्तरों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और दूसरों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।